नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी समीम सौदागर के साथ। इस समय विंध्य की राजनीति काफ़ी गर्म है। दो दिन पहले जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा रीवा में थे, आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री रीवा में थे। मौका था संत रविदास जयंती का। ठीक आज से 650 साल पहले संत रविदास का जन्म हुआ। निकट भविष्य में चुनाव होने हैं। संत रविदास जी को याद करने का एक अच्छा मौका भी था, बहाना था कार्यकर्ता सम्मेलन। कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस के तमाम दिग्गज नजर आए, भारतीय जनता पार्टी पर जमकर बरसे। सबका कुछ प्रमुख मुद्दों पर जिन्होंने फोकस किया, उनमें माना जा सकता है सारे के सारे नेताओं ने ईवीएम पर सवाल उठाया। जी हाँ, उनका कहना था अगर आपको इतना ही भरोसा है तो ईवीएम की जगह आप बैलेट पेपर से भी आप वोटिंग करा सकते हैं। कृषि बिल पर भी लोग जमकर बरसे, कृषि बिल की खामियां गिनाई, साथ ही बेरोजगारी की बात भी की। किसान को खेत में काम नहीं, शहर में व्यापारी के पास काम नहीं, इस तरीके से युवा बेरोजगार। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, जैसे जितने भी वक्ता थे सब ने एक एक दो दो लाइन शायरी अंदाज में, कुछ नए अंदाज में अपनी बात कही। पहली बार एक नई चीज़ भी देखने में आई, दो मंच बनाए गए। जी हाँ, वैसे भी कहा जाता है कांग्रेस में नेता ज़्यादा कार्यकर्ता कम, जिसका एक आज उदाहरण भी देखने में नज़र आया। दो मंच बनाए गए, सारे नेताओं को एडजस्ट करने की कोशिश की गई थी। मैं आपको सीधे एनसीसी मैदान में ले चलता हूँ और दिखाता हूँ वहाँ पर क्या कुछ बातचीत हुई, नेताओं ने क्या कुछ कहा, संत रविदास को याद किया। साथ ही पिछले दिनों सीधी में 54 मौतें हुई, उन 54 मौतों को भी याद किया और 2 मिनट का श्रद्धांजलि भी उनको दी। आइए सीधे चलते हैं एनसीसी मैदान में और दिखाते हैं वहाँ पर क्या कुछ घटा। भारतीय जनता पार्टी भरण की पार्टी ही, पुराने जमाने में कहा जा रहा सेठ साहूकारन के पार्टी वो दिया जले वाली पार्टी रही है, वह फर्क आज फिर से देखने को मिल रहा है। यह बात आई कि रीवा संभाग के कार्यकर्ताओं से कुछ भूल गए, नहीं तो सरकार न जा हमें घर नहीं मानता है। रीवा संभाग के कार्यकर्ताओं से कोनो भूल नहीं है, यदि भूल भय तो वो मशीनों से भय। काहे सिर्फ रीवा संभाग में बन के 12 से 6 पहुंचे, यह बार में सोचे चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता जितने मजबूत तिवारी जी और दाऊद साहब ये संभाग में बनाए, शायद एक हाँ दूसरे संभाग में या मेयर के कार्यकर्ता हुई। हमें मंचन का हौसला, हमारा अपना के हौसला कमजोर न हो चाहे। आगे नगरी निकाय चुनाव है, डंके के चोट पर हम पंचन का काम करके और ये साबित कर देगा है यदि मशीन से चुनाव न कराएं, बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो पता चल जाए कि दूध के दूध पानी के पानी का है। बहुत सारी बात यह कही गई कि दिल्ली में को बैठ है, भोपाल में को बैठ है, लेकिन यह बात बहुत कम कही गए कि वो जो 100 रुपया मजदूरी करके कमाए के आवत है वह सरसों के तेल कैसे खरीद। जो बेचारा गांव के किसान के बेटा के पास मोटरसाइकिल हो जाए तो वो पेट्रोल कैसे भरा। महंगाई चरम सीमा में और युवाओं का रोजगार नहीं। आज गुरु रविदास जयंती में हम गुरुदास जी को याद करते हैं, उनके चरणों में मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। गुरुदास जी केवल सामाजिक न्याय के लिए ही उन्होंने संघर्ष नहीं किया, सामाजिक सुधार के लिए उन्होंने संघर्ष किया, पर साथ साथ उनका आध्यात्मिक
आध्यात्मिक क्षेत्र में भी बड़े उनका बड़ा योगदान था। संत कबीर जी के साथ उन्होंने आध्यात्मिक क्षेत्र में देखे काम किया। आज के दिन मैं घोषणा करना चाहता हूं कि रविदास जी के जयंती पर मैं खुद व्यक्तिगत रूप से उनकी प्रतिमा बने, उनकी प्रतिमा लगे, उसका मैं मेरा पूरा सहयोग रहेगा। मैं तो कहूंगा अपने साथियों को कि आप स्थान ढूंढिए और प्रतिमा मैं दूंगा। पर मध्य प्रदेश कोई केंद्र नहीं बन सकता, कोई केंद्र नहीं बना, मैन्युफैक्चरिंग का, कारखानों का केंद्र नहीं बन पाया, क्योंकि किसी को मध्य प्रदेश में विश्वास नहीं। मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से, मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से। मैंने माफिया के खिलाफ युद्ध शुरू किया, क्योंकि मध्य प्रदेश की पहचान विश्वास से बनती है। कोई निवेश लगाएगा तो विश्वास होगा, तभी वो निवेश लगाएगा। निवेश विश्वास से आता है। 15 साल कांग्रेस की सरकार चली प्रदेश में, जिसमें से ढाई महीने लोकसभा चुनाव, 15 महीनों में से 2.5 महीने आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में गया, 1 महीना इस सौदेबाजी की राजनीति में गया। मेरे पास तो 11 महीने थे। कौन सा गुना मैंने किया था, कौन सा पाप मैंने किया था कि मैंने अपने पिछले वर्ग को 27% आरक्षण दिया? ये क्या पाप किया था मैंने? मैंने किसानों का कर्जा पाप किया? शुरुआत करी इतिहास में, कौन सा गुना, कौन सा पाप मैंने करा? मैंने पेंशन बढ़ाई, मैंने लोगों का पैसा बढ़ाया। हम एक रास्ते पे चल रहे थे, मध्य प्रदेश की एक नई पहचान बना रहे थे, नई पहचान बना रहे थे पूरे देश में कि मध्य प्रदेश की तुलना त्रिपुरा और मणिपुर से ना हो, मध्य प्रदेश की पहचान कर्नाटक से हो, महाराष्ट्र से हो। ये मेरा लक्ष्य था। और ये सौदेबाजी की राजनीति तो मैं नहीं कर सकता था, मैं तो मुख्यमंत्री था, पर मैं सौदेबाजी की राजनीति का प्रवेश नहीं चाहता था। कमलनाथ करेंगे, मध्य प्रदेश की पहचान इस सौदेबाजी की राजनीति से ना हो। मध्य प्रदेश की पहचान एक ऐसे प्रदेश, एक सिद्धांतिक प्रदेश से हो। ये मशीनों का खेल जो करते हैं भाई, आपको जीतना है, आप मतपत से जीत लो ना, कौन रोकता है आपको जीतने से? अगर जनता आपके साथ है, आपको मशीन की क्या जरूरत? मशीन तो अमेरिका में भी इसका उपयोग नहीं होता, पूरे यूरोप में, फ्रांस, जर्मनी, इटली में कोई मशीन के पास नहीं जाता, जापान मशीन के पास नहीं जाती, मोदी जी जाते हैं मशीन के पास, भारतीय जनता पार्टी जाती है मशीन के पास। ध्यान मोड़ना, कैसे ध्यान मोड़ा? राष्ट्रवाद की बात और राष्ट्रवाद का पाठ भी क्या कांग्रेस को पढ़ाएंगे? मैं तो पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, आप हमें पाठ पढ़ाने आए हैं राष्ट्रवाद का? आपके पार्टी से कोई स्वतंत्र संग्राम सेनानी कभी जुड़ा रहा है? आप कोई स्वतंत्र संग्राम सेनानी का नाम ले सकते हैं और राष्ट्रवाद का पाठ आप हमें पढ़ाने आए हैं? इनकी राजनीति आपको समझ गई। ये जो ठेके की खेती, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इसका क्या अर्थ है? किसान को क्या चाहिए? उसको तो बीज और खाद चाहिए। आज 50% बीज और खाद किसान को तो सोसाइटी से मिलता है, 50% तो व्यापारी से लेते हैं। बड़ा उद्योगपति तो सब बीज और खाद इकट्ठा कर लेगा, व्यापारी से इकट्ठा कर लेगा, किसान के पास जाएगा कि बेटा बीज और खाद है, बोली का समय आ गया। किसान कहेगा बीज और खाद तो मेरे पास नहीं है, तो कहेगा मैं देता हूं, तुम खेती मेरे लिए करो, मेरा बंधुआ बन जाओ, किसान परमानेंटली बंधुआ बन जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, ये इनका दूसरा कानून है।